तो आज फिर से हम गुणनफल ज्ञात कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में अभी गुणनफल बताया था, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पर देखो इन दोनों का क्या करना है, यहाँ ब्रैकेट है, वो पद थे, एक ही चीज़ है, ये भी पद ही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेटों को क्या करना है, गुणनफल निकालना है। तो ये गुणनफल, पहला सवाल, जो गुणा करना है उनको पहले की तरह लिख लेंगे, ये दोनों ब्रैकेट लिख लिए यहाँ। अब क्या करना है, पहला एक इसमें से पद उतारना है और पूरा ब्रैकेट उतारना है, पीछे वाला उतार लिया ये पूरा ब्रैकेट, ये इसमें से एक। अब इसमें बचा कुछ है, ये दूसरा पद है, माइनस का 2x, फिर ये उतार लिया 3 + x। अब क्या करते हैं, इस बाहर वाले का इसमें गुणा कर लेते हैं, तो 5 × 3 + 5 का किस में करोगे, एक्स में, ऐसे ही -2x का किस में करोगे, 3 में पहले, और -2x का ही किस में करोगे आप, एक्स में। ये तो हो गया गुणा, तो ये कितना हो गया बेटे 15, और ये कितना हो गया 5x, और ये द्वितीय 6x, माइनस ये हो गया 2x2। ठीक है, तो आप देखिए इसमें 15 तो ये है, ये 5x और 6x, ये x x सजातीय पद हैं, तो दोनों के चिन्ह देखो, इसमें एक चिन्ह प्लस है, एक माइनस है, तो असमान चिन्ह है, तो बड़े वाले नंबर में से 6 में से 5 घटा दो, एक बचेगा, यानी एक x बचा, चिन्ह वो आएगा जो डिजिट बड़ी वाली डिजिट के सामने का है, ये माइनस का, तो -2x2, ये हो गया गुणनफल। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें इसका भी गुणनफल निकालना है। क्या करना है, x + 7y और 7x - y। तो अभी यहाँ हमें आइडेंटिटी यानी सर्वसमिका का उपयोग नहीं करना है, इसमें बस सर्वसमिका लग रही है, अपन को इसी तरह सिखा रहे हैं अभी तुम्हें। तो यहाँ पर x उतार लिया पहले, फिर दूसरा ब्रैकेट लगा लिया ये पूरा, फिर ये उतारो इसका दूसरा, फिर पूरा ब्रैकेट उतार लिया। आया समझ में, पहले ये पद उतारते हैं, फिर पूरा ब्रैकेट, फिर ये दूसरा पद, फिर दूसरा ब्रैकेट। अब क्या करना है, x का इसमें गुणा करो, x × 7x, x का इसमें करो -x × 22, 7y का इसमें करो 7y × 7x, अब इसमें करेंगे -+7y × -y, ये कर लिया, तो ये आएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा, 7x² - xy प्लस सत्तू सत्तू कितना हो जाएगा, 49xy, और ये कितना हो जाएगा, 7 × 7y²। अब देखो दोनों में सजातीय पद ये हैं xy xy, ये बस जोड़ दो, तो यहाँ पर 7x² - xy, ये माइनस का है, ये प्लस के हैं, तो बड़े वाले ये 4 हैं, ये असमान चिन्ह हो गए, तो 4 में से एक घटा दो, 3 बचेंगे, 3xy वो कैसे बचेंगे, प्लस के, और क्योंकि ये बड़ा है, नहीं 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 ये कितने थे, 49xy, 49 में से एक गया तो कितना बचा है, 48xy, और ये कितना हो गया प्लस, ये हो गया तुम्हारा -7y², यही आंसर होगा। देखो यहाँ पर एक्स वाई ये माइनस का था, ये 49 थे, 4 निकलते थे 49 में से, अब ये घट जाएगा तो कितने बढ़ेंगे, 48 वो भी कैसे, प्लस के, और ये यूँ का तो वहीं उतार दिया। तो इसी तरह हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। थर्ड है तुम्हारा, देखो a² + b का गुणा किस में करना है, a² + b का किस में करना है, a + b² में। तो इसी तरह आप इसमें करिए, a² का मल्टीप्लाई करेंगे पहले a + b² में, इसे उतार लिया, फिर b ले लिया a + b², तो अब इसके इसमें कर लें a² का, तो 1³ डायरेक्ट कर सकते हो, प्लस a² b + ab, इसका इसमें करेंगे और इसमें क्या होगा, b³, तो ये ही आंसर होगा। तो इस तरह हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी वही दिया है कि सरल कीजिए, क्वेश्चन 3 है का इसका फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें भी अपन को वही काम, सेम काम करना है,
जैसे देखो सरल करना है, इसको सरल करना है तो आप देख रहे हैं यहाँ भी दो ब्रैकेट ही हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव प्लस 25 दिया है। तो अब ये क्या होगा कि पहला एक्स स्क्वायर उतार लिया, इन दोनों का ब्रैकेट का गुणा ही करना है, जो अभी यहाँ ऐसे कर रहे थे सेम उसी प्रकार होगा। ये 25 से कोई देना, ये बाद में कर लेंगे इनको हिसाब। तो ये एक्स स्क्वायर एक्स प्लस फाइव माइनस फाइव फिर एक्स प्लस फाइव जो कहते हैं उतार लिया प्लस 25, यानी इन दोनों का ब्रैकेटों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसका इसमें कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू फाइव, इसका इसमें कर दिया। अब इसका इसमें कर दो माइनस फाइव इंटू एक्स, इसका इसमें करो माइनस फाइव इंटू फाइव पाँच में, अब ये प्लस 25, अब ये कितना हो जाएंगे तुम्हारे एक्स की पावर 3 प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस 25 प्लस 25। तो ये देखो घट गए दोनों, एक प्लस का एक माइनस का है। तो ये अब कितना आ गया आपका एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स आंसर। ये विजातीय पद हैं, ये आपस में जोड़े या घटाए नहीं जा सकते। ऐसे ही आप इसको सेकंड है, इसमें भी पहले क्या करना है, इन दोनों का क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये पहले की तरह है और ये भी इसी क्वेश्चन की तरह है सेम। अब इसमें देखो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों का करना है, फिर इसका करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये कौन सा चौथा, यहाँ देखिए ए, ये है ए प्लस बी और सी माइनस डी प्लस ए माइनस बी सी प्लस डी प्लस टू ए बी ए सी प्लस बी डी। तो यहाँ आप देख पाओगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है पहले, तो क्या लिखेंगे, ए सी माइनस डी प्लस बी ले लेंगे सी माइनस डी, इसका ले लिया पहले फिर पूरा उतार लिया, वो काम वही करना है सब में, दो ब्रैकेटों का कैसे गुणन करना है। भाई ये सरलीकरण है, सरलीकरण में भी तो क्या हो रहा है, गुणा ही हो रहा है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, क्या है गुणा, गुणा करने के बाद जोड़ना है, ये प्लस करना है। तो पहले तो अपन क्या कर रहे हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। अब सी प्लस ए, अब ये माइनस बी है तो माइनस बी ले लिया सी प्लस ए, यूँ कहते हैं उतार लिया, इन दोनों का गुणा कर रहे हैं, इन दोनों का यहाँ कर रहे हैं, और इसका दो इसमें अंदर कर दो तो दो इंटू ए सी और दो इंटू बी सी ओ बी डी ये हो जाएगा। अब इसका इसमें करा तो क्या आया, ये ए सी, ए का डी में करा तो ए डी, बी का सी में किया बी सी है ना, और बी का डी में किया तो बी डी। ऐसे ही इसमें क्या आएगा, ए सी ये आएगा प्लस ए स्क्वायर, ये आएगा माइनस बी सी, ये माइनस का ए बी, अब ये आएगा प्लस टू ए सी और ये हो गया टू बी डी। ये तो सॉल्व हुआ पड़ा है। अब आप देखिए ए सी यहाँ है और कहीं ए सी ये प्लस का है, और देखो ए सी ये प्लस का है, दो प्लस के हैं ए सी, और देखो यहाँ पर दो ये रहे, तो ए सी कितने हो गए कुल, देखो ए सी प्लस टू ए सी ये हो गए तुम्हारे ए सी एक जगह कर लिए मैंने, चार हो जाएंगे। अब ये माइनस का देखो ए डी है, और देखो इसमें ए डी कहाँ पर है, कहीं नहीं है, कहीं पर ए डी नहीं है, तो यहाँ पर इसको माइनस का ए डी लिख लेंगे, ठीक है, इसका माइनस का ए डी उतार लिया। अब बी सी जे रहा, अब बी सी और देखो ये एक प्लस का एक माइनस का ये कट गया, और कहीं बी सी है, नहीं है, कट गया। अब देखो यहाँ बी डी, अब बी डी देखेंगे, बी डी कहीं ये रहा, बी डी एक बी डी ये रहा माइनस का, दो बी डी कैसे हैं प्लस के, तो असमान चिन्ह हो गए, तो क्या है दो में से एक घटा तो एक बी डी बच रहा। अब ए स्क्वायर ये रहा और कहीं नहीं है, तो ए स्क्वायर भी आएगा इसमें, ए बी, ए बी माइनस का एक ये है और कहीं नहीं आया, तो ए बी ये आ गया। और देखो बाकी सारी संख्याएं हो चुकी हैं, ये उतार ली हमने, ये भी उतार चुके हैं। अब तो ये कितना हो गया देख लो, ए सी ए सी ये चार ए सी हो गया, माइनस ए डी माइनस बी डी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये आंसर होगा। तो इस प्रकार इनको भी हम सेम उसी तरह क्या करेंगे,
इनका सरलीकरण करेंगे तो ये हम दो बीजीय व्यंजकों का क्या करना सीख गए, गुणनफल ज्ञात करना हमने इस प्रकार सीख लिया है कि हम दो बीजीय व्यंजकों का गुणनफल किस प्रकार करते हैं। तो वीडियो को पहले ठीक प्रकार देखें, फिर होमवर्क करके और वापस से सेंड किया करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।